नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं, विष्णु जी को याद करते हैं, तो उतने में ही एक आकाशवाणी होती है कि धीरज धरो और परिश्रम करो, संत जन मिलेंगे, उनका सानिध्य मिलेगा, उनके वचनों को सुनना फिर ज्ञान वैराग्य और भक्ति के दुखों को दूर करना। जैसे नारद जी ये सुनते हैं तो भक्ति से कहते हैं कि आप धीरज धरो, क्योंकि मैं संतों की खोज में जा रहा हूं। अब महाराज नारद जी कई संतों के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें वो उत्तर नहीं मिल पाता है जो वो चाहते हैं। सभी अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं, लेकिन नारद जी संतुष्ट नहीं होते हैं। अब संतों की खोज में वो बद्री का आश्रम पहुंच चुके हैं। यही सब बातें उन्होंने सौनकादिक ऋषियों को बताई। तब सौनकादिक ऋषि में से सनत कुमार कहते हैं कि देखिए, आपका जो ये दुख है, आपकी जो ये तकलीफ है, आप जो उत्तर चाहते हैं, उस समस्या का हल मेरे पास है। तो नारद जी कहते हैं बताइए। तो सनत कुमार कहते हैं एकांत में बैठकर मैं आपको सुनाता हूँ। अब महाराज सनत कुमार नारद जी को एकांत में लेकर के जाते हैं। अब सनत कुमार कहते हैं कि देखिए, यदि आपको ज्ञान वैराग्य और भक्ति के दुखों को दूर करना है तो आप उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनवाइए। नारद जी सोच में असंतुष्ट हैं। सनत कुमार कहते हैं मन में जो बात है वो बोल दीजिए। नारद जी कहते हैं मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सनत कुमार कहते हैं कौन सी? नारद जी कहते हैं कि देखिए, मैंने उन्हें अपने वेद वेदांत शास्त्रों के मंत्रों से जगाने की कोशिश करी, अरे वो जब नहीं उठे तो इस भागवत महापुराण में ऐसा क्या है, किसको सुनने से इनके दुख दूर होंगे? तब सनत कुमार कहते हैं कि नारद आप खुद भूल रहे हैं कि जब व्यास जी मोहित हुए थे तब आपने उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा सुनी हुई चतुर्श्लोकीय श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई, उसके बाद वेद व्यास जी ने उसे विस्तार पूर्वक लिखा था। फिर उसमें उन्होंने जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, सभी का सार उन्होंने उस श्रीमद् भागवत महापुराण में एकत्रित करा है। तो इसलिए वो श्रीमद् भागवत महापुराण सारे पुराणों की नवनीत है, तो इसलिए ये उत्तम है सुनाना। तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए। नारद जी कहते हैं ठीक है। अब महाराज नारद जी कहते हैं कि ये भी बता दीजिए, ये कथा कहाँ कहना उचित है, किस तिथि में करना है? तब सनत कुमार उन्हें तिथि बताते हैं और कहते हैं कि गंगा के तट पर हरिहर के निकट ये कथा करना उचित है। अब महाराज निश्चित तिथि पर नारद जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को लेकर के पहुंच जाते हैं। कथा का आयोजन करा गया है, उसमें तीर्थ स्थल आए हुए हैं, कई साधु जन आए हुए हैं, गंगा आदि पवित्र नदियां आई हैं, बहुत सारे श्रोतागण सुनने आए हैं। तो बहुत सारे श्रोतागण उस कथा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। अब महाराज सनत कुमार आते हैं। सनत कुमार को एक ऊंचा आसन दिया जाता है। अब नारद जी उस आसन पर उन्हें बैठने को कहते हैं। सनत कुमार उस आसन पर बैठते हैं। उसके बाद जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना आरंभ करा, उतने में ही जितने भी श्रोतागण वहां पर बैठे थे सभी के हृदय शुद्ध होते, ठाकुर जी आकर के सभी के हृदय में वास करने लगते हैं। देवतागण बड़े प्रसन्न होते हैं और अंबर से पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। सब बड़े प्रसन्न हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ होती है। अब सनत कुमार श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे हैं। सुखदेव और परीक्षित जी का जो बीच में संवाद था वही वो उन्हें सुना रहे हैं। जब कथा आरंभ होती है तो कुछ देर बाद नारद जी सनत कुमार से एक प्रश्न करते हैं। कहते हैं मेरे मन में एक प्रश्न है। सनत कुमार कहते हैं पूछिए। नारद जी कहते हैं कि ये बताइए कि इस कथा को सुनने से किस किस प्रकार के दोष दूर होते हैं?
तो सनत कुमार कहते हैं कि इस कथा को सुनने से हर तरह के दोष दूर होते हैं। कामी, क्रोधी, घमंडी, पापी, दुराचारी, माता पिता के दोषी, हर तरह के दोष इस कथा को सुनने से दूर होते हैं।